Question number 5 is, a certain code 256 means red color chalk, 589 means green color flower. Okay? ठीक है, और यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा गया है, और यहाँ से हमसे पूछा गया है 254 मीन्स, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देर इज़ नथिंग लाइक दिस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऐसा कुछ टफ नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। तो इसमें आपको सिर्फ मैच करना है, ठीक है, तो मैच करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, लेट मी ट्राई दिस वन। अच्छा, अब इसमें देखिए, अच्छा 256 का मतलब है रेड कलर चॉक, ठीक है, 589 का मतलब है ग्रीन कलर फ्लावर। तो यहाँ से अगर आप दोनों को कोरिलेट करोगे, या आप अगर इसमें देखोगे क्या चीज़ें कॉमन है, तो दोनों में कलर आ रहा है, दोनों में कलर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर कॉमन है 256 और 589 में 5 कॉमन है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब 5 जो कोड है, दिस इज़ फॉर कलर, जो 5 कोड है कलर के लिए, ठीक है। तीन आपने देखे होंगे, 3 नंबर्स हैं और 3 आपके वर्ड्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या दिया है आपको, अब आपको दिया है 254 ये दिया है वाइट कलर चॉक, ठीक है। अच्छा, अब वाइट कलर चॉक फिर से अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर हम यहाँ कंपेयर करें, देखिए, ओके, 5 तो हमारा कलर आ चुका है, कलर इसमें भी है, 5 तो हम समझ चुके हैं। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 256 और 254, जिसमें 5 और 5 तो कलर के लिए, अब 2 किसके लिए होगा, तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है चॉक, इसका मतलब चॉक 2 जो कोड है वो चॉक के लिए है। अब आपसे क्या पूछा है, द डिजिट इन द कोड दैट इंडिकेट्स वाइट, अब वाइट क्या इंडिकेट कर रहा होगा, एक ही बचा 4, 2 इंडिकेट कर रहा है चॉक को, 5 इंडिकेट कर रहा है कलर को, 4 इंडिकेट करेगा वाइट को, सो सिंपल, B4 इज़ द राइट आंसर, समझ में आया।